आज है अपने पास यामाहा की काफ़ी ज़्यादा रियर बाइक। यामाहा की होने वाली है FZX। इसके कई सारे मॉडल आ जाते हैं, FZX है, FZS है, ये अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। तो आज है अपने पास यामाहा की FZX और आज अपन करने वाले हैं इसका एक प्रॉपर से रिव्यू। और शोरूम की डिटेल्स वगैरह मैंने दे दी है, तो ज़रूर से एक बार चेकआउट कर रहे हैं ना। तो भाई सबसे पहले ये मिलने वाली है गाड़ी, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट करें। तो इस टाइप से आपको फ्रंट मिलने वाला है, लेकिन यार इसमें थोड़े से अपन एसेसरीज टाइप की लगा दो ना, तो कुछ इस तरीके से दिख जाता है। तो आप कमेंट में बताना कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपन इस पर मेन बात कर लेते हैं। इस तरीके से आपको गोल शेप में हेडलाइट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको LED जो है DRS मिल जाते हैं, जो जलने पर कुछ इस तरीके से लगते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से ये जलने पे लग जाते हैं। और ये आपको जो है प्रोजेक्टर लाइट मिलने वाली है, और भाई लाइट यार प्रोजेक्टर में काफ़ी शानदार लग जाती है, मतलब काफ़ी बढ़िया आपको इसमें लाइट मिलने वाली है। और इस टाइप से ये आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको देख सकते हो सॉफ्ट रबर वगैरह लगाई गई है, ताकि यहाँ पे धूल भी ना भरे और ऑयल वगैरह भी इनमें से ना गिरे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ ये लगाई गई है, सॉफ्ट रबर लगा दी गई है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन मिलने वाले हैं, और ये आप एक बार मडगार्ड देखो यार, आवाज़ सुनी, मेटल का मडगार्ड मिलने वाला है, और ये मेटल का पार्ट लगाया गया है जो कि काफ़ी शानदार आपको मिलने वाला है। और एक बार फ्रंट ब्रेक आप देखो ना, तो ये आपको डिस्क मिलने वाला है 282 mm का, बाइवियर्स के आपको कैलिबर्स मिलने वाले हैं। प्लस में ये वाले बायर दिख रही है, आम बायर नहीं है, ABS है, तो यार इसमें भी आपको ABS मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और जहाँ तक यार फ्रंट टायर की बात करें ना, तो 180/17 का आपको इसमें प्रोफाइल मिलने वाली है, ये भी आपको ट्यूबलेस मिल जाते हैं। और गाड़ी का कलर जो है आप देख सकते हो मेट ब्लैक में है, तो टायर आपको देखो अलॉयस जो है आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएंगे। और एक बार आप टायर्स की जो है ग्रिप भी देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाली है। ये इस तरीके से आपको मीटर मिलने वाला है, गाड़ी की चाबी यहाँ पे लगी होने वाली है। एक बार आप इसका एनिमेशन चेक कर लो, तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन मिलने वाला है। इसमें भी आपको मोड्स टाइप के मिल जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल में आप देख सकते हो यहाँ पे RPM मीटर कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये आपको स्पीड बता देगा कि कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, ये फ्यूल मीटर बता देगा, और ये आपको टोटल ट्रिप्स वगैरह बता देगा। इस बटन से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ये पास लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप एक बार थ्रो देखना, ठीक है, ये गई देखो, ये देखो थ्रो देख रहा हो कितना हाई, मतलब लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, फिर भी यार थ्रो देखो कितना खतरनाक जा रहा है। ये आपको देखो लाइट वगैरह भी आप इससे चालू बंद कर सकते हो, अपर डिपर मिल जाएगा, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इस तरीके से, हॉर्न मिल जाएगा, इंजन किल स्विच मिल जाएगा, और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। टंकी की बात करें तो कुछ इस तरीके से काफ़ी भारी भरकम टंकी मिलने वाली है, टोटल देखो आवाज़ सुनो मेटल की मिलने वाली है। और थोड़े से इस टाइप से देखो FZX लिखा गया है, जो काफ़ी शानदार लगता है। इस तरीके से आपको टंकी मिलने वाली है यार, ये थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है, लेकिन ये पूरा मेटल दिया गया, मतलब थोड़ा नहीं पूरा रगेड लुक दिया गया है, मतलब टूटना फूटना का कोई खतरा ही नहीं है। देखो ये कावल भी लगाए गए हैं, तो यार ये भी मेटल के मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्ट आपको इसमें मेटल के मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। यहाँ की बात करें ना, तो ये देखो ये क्रोम में दिए गए हैं ढक्कन, जो कि काफ़ी सही लगता है, E20 के साथ में आ जाती है। और एक बार इस साइड से दिखा दें आपको, तो इस साइड से भी आपको देखो FZX मिलने वाली है, यामाहा की ब्रांडिंग मिलने वाली है, 5 गियर्स मिल जाते हैं, साइड स्टैंड मिल जाएगा, बट साइड स्टैंड इंजन का टॉप के साथ में, 1 फुटरेस्ट यहाँ पे, और एसेसरीज के रूप में आप 1 फुटरेस्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से टोटल सीट मिलने वाली है। यहाँ पे कई लोग को क्या ऊंची वाली सीट पसंद आती है, लेकिन यार 810 mm की इसमें सीट हाइट मिलने वाली है, और ये वाली सीट भी काफ़ी सही होने वाली है। और 149 cc का इसमें आपको इंजन मिलने वाला है, 12.4 PS की आपको इसमें पावर मिल जाएगी, मतलब बढ़िया है। और 13.2 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाएगा, ये बैक ब्रेक मिल जाएगा, बैक ब्रेक में भी आप 220 mm का डिस्क ब्रेक देख सकते हो, और ABS देख सकते हो। ये आपका पीछे वाला लुक मिल जाएगा, ये पूरी छोटी सी आपको टेल लाइट दी गई है, जो कि LED में दी गई है, LED आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और नंबर प्लेट फ्लैश करने के लिए ये देखो लाइट मिल जाती है, नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह, और साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही लगते हैं। जैसे आपको पूरा साइलेंस मिल जाता है, जो कि मैट ब्लैक में है, और ये वाले कोई पार्ट आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएंगे। ये आपको जो है पिछला वाला टायर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही लगता है, ये भी आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा। पीछे वाले टायर की बात करें तो 140/60/R17 की आपको इसमें प्रोफाइल मिलने वाली है। तो भाई इस तरीके से कंप्लीट जो है गाड़ी मिलने वाली है, आप एक बार लुक देखो, काफ़ी ज़्यादा रगेड दिया गया है। भाई ज़्यादातर आप देख सकते हो ये भी मेटल, ये थोड़ा प्लास्टिक है, और ये मेटल, और यहाँ पे भी मेटल, और यहाँ पे भी मेटल, काफ़ी ज़्यादा जगह आपको मेटल का इस्तेमाल हो जाता है। तो भाई टूट फूट का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और सीट भी काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये हो गया भाई कंप्लीट रिव्यू यामाहा का FZX का। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब, मिलते वीडियो में, टाटा बाय बाय।